जब आप के कर रहे हैं, तो interest को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे पास इसे कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं एक है बाय मेकिंग टेबल और दूसरा है बाय मेकिंग हायर वेंडर अकाउंट तो सबसे पहले हम जो बाई uh, टेबल है कैसे प्रिपेयर करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट वो देखेंगे टेबल में हम फाइव कॉलम्स बनाते हैं पहला पर्टिकुलर्स के लिए दूसरा कैश प्राइस के लिए तीसरा प्रिंसिपल के लिए चौथा इंटरेस्ट के लिए और पांचवा इंस्टॉलमेंट के लिए इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी वेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट मतलब जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसके अंदर ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड है On 1st January 2004, Darshan purchased a computer from Weapon Agency on higher purchase system. The cash price of the computer was 34018. Payment was to be made as under 10,000 rupees on delivery and further installments of 10,000 each at the end of each year. The vendor charges interest at the rate of 12% per annum. दर्शन प्रोवाइडेशन एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन एम ऑन डेमिशिंग बैलेंस मैथ जर्नल एंट्री पार्टीज अब यहाँ पर आप सबसे पहले कंपेयर कीजिए कि कैश प्राइस जो है कंप्यूटर का वो है थ्री फोर जीरो वन एट और आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट अगर करते हैं तो कितनी करेंगी एट टाइम ऑफ डिलीवरी आप कर रहे हैं टेन थाउजेंड रुपीज और फर्दर इंस्टॉलमेंट्स आप दे रहे हैं टेन थाउजेंड ईच की एट द एंड ऑफ द ईयर तो या ये आपका हायर परचेज अमाउंट हो जाएगा तो अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कैश प्राइस ऑफ द कंप्यूटर कितना है थ्री फोर जीरो अमाउंट कितना पे किया आपने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टेन थाउजेंड तो बैलेंस आपका कितना बचा टू फोर जीरो वन एट अब जो टोटल प्राइस है आपका थ्री फोर जीरो पे कर चुके हैं तो हमने टेन थाउजेंड लिख दिया और टेन थाउजेंड की इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी देन जो आपका बैलेंस बचा टू फोर जीरो पे आपका लिखा हुआ है कि द वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट ट्वेल्व परसेंट पर एन एम वेंडर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो आपका जो बैलेंस बच रहा है हर साल उस रेट पर वो चार्ज करेगा तो यहाँ पर टेन परसेंटन डोमेशन बैलेंस माथर के अकॉर्डिंग तो कैश प्राइस फर्स्ट थ्री फोर जीरो से माइनस किया आपने अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू फोर जीरो बचा बैलेंस तो इस बैलेंस के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा ट्वेल्व परसेंट वन ईयर के लिए टू फोर जीरो इंस्टॉलमेंट आई टेन थाउजेंड की अब टेन थाउजेंड की इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है दैट इज टू डबल एट टू पॉइंट वन सिक्स जब टेन थाउजेंड में से आप टू डबल एट टू पॉइंट वन सिक्स को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस फिगर आई वो आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा तो सेवन वन वन सेवन पॉइंट एट फोर जो है वो आपने एक्चुअल में जो प्रिंसिपल अमाउंट की पे करनी थी वो की है तो आपका जो टू फोर जीरो माइनस किया जो हमारी प्रिंसिपल की पेमेंट गई सेवन वन वन सेवन पॉइंट एट फोर अब टू फोर जीरो वन एट में से जब आप माइनस करेंगे सेवन वन वन सेवन पॉइंट एट फोर तो आपका जो बैलेंस बचता है वो बचता है वन सिक्स नाइन डबल जीरो पॉइंट वन सिक्स अब जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो इस फिगर पे लगेगा। तो 1.690.16 into 12 divided by 100 into ये आया आपका 2028। अगेन आप इंस्टॉलमेंट कितने की पे कर रहे हैं? 10,000 रुपीस की। तो 10,000 में से इस इंटरेस्ट को हम माइनस करेंगे। 2028। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो है 7972। तो आपने इंस्टॉलमेंट जो पे की है टेन थाउजेंड में उसमें प्रिंसिपल कितना इंक्लूड है 7972 तो .16, जो अब, अब यहाँ पर एक चीज देखिए जो कैश प्राइस है आपका उसमें से जब आप एवरी ईयर माइनस करते जा रहे हैं जो आपकी प्रिंसिपल के अमाउंट है तो जो लास्ट में जो बच रहा है दैट इज एट नाइन टू एट पॉइंट वन सिक्स और हम इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर की कितनी पे कर रहे हैं टेन थाउजेंड तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने ईयर के बाद आपको कितनी इंस्टॉलमेंट जो हैं कितने ईयर्स में खत्म हो रही है तो यहाँ पर जब आपने टेन थाउजेंड की इंस्टॉलमेंट पे की तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अब आपको Uh, जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट ट्वेल्व परसेंट से निकालने की जरूरत नहीं है टेन थाउजेंड में से आपने सीधा ये जो बैलेंस अमाउंट है एट नाइन टू एट पॉइंट वन सिक्स माइनस किया ये टूवर्ड्स प्रिंसिपल गया आपका और टेन थाउजेंड में से इसको जब माइनस करेंगे तो वन जीरो सेवन वन पॉइंट एट फोर जो है वो आपका इंटरेस्ट बच जाता है तो ये आपका अमाउंट जो हो गया वो नील हो गया प्रिंसिपल अमाउंट को टोटल आपने किया तो वही बन रहा है थ्री फोर जीरो वन एट इंटरेस्ट जो है दैट इज फाइव नाइन एट टू और टोटल इंस्टॉलमेंट जो आपने दी दैट इज फोर्टी थाउजेंड तो अब इसकी एंट्रीज हम देख लेते हैं सबसे पहले हायर परचेजर की बुक्स में क्या एंट्री होगी सबसे पहले कंप्यूटर को परचेज करने की एंट्री उसके लिए जो कैश प्राइस है उसी प्राइस से हम उसकी एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या बनी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू विपिन एजेंसी अकाउंट कैश प्राइस ऑफ द कंप्यूटर परचेज कितना है थ्री फोर जीरो देन अमाउंट पे जो आपने डिलीवरी पे की एस एडवांस जो डाउन पेमेंट आपने की विपिन एजेंसी अकाउंट डेबिटेड टू तो कैश अकाउंट टेन थाउजेंडर ये जन वन को थी ये एंट्री आफ्टर एट द एंड ऑफ दर जो टाइम पीरियड है जो कम्प्लीट हो गया उसके बाद एक साल होने के बाद डिसेम्बर थर्टी वन को जब आप अकाउंट क्लोज कर रहे है आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो उसकी एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू तो विपिन एजेंसी अकाउंट आपका टू डबल एट टू पॉइंट वन सिक्स अब ये एक चीज देखिए जो भी हम जर्नल एंट्रीज या अकाउंट्स लेजर्स बनाते हैं वो सारी फिगर हमें इस टेबल से मिल जाती है इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है इंस्टॉलमेंट की अमाउंट गिवन है आपका कैश प्राइस पता है यहाँ पर आपको कितना है तो सारी एंट्रीज में जो अमाउंट है वो आपकी इस टेबल से पता आपको चल जाती है तो टू डबल एट टू पॉइंट वन सिक्स से हमारा ये जो फर्स्ट ईयर का एंट्रेस था इसकी एंट्री हो गई उसके बाद अमाउंट पे करने की एंट्री जो इंस्टॉलमेंट की है विपिन एजेंसी अकाउंट डेबिट टू

इंटरेस्ट ड्यू कर दिया देन इंस्टॉलमेंट को पे करने की एंट्री विपिन एजेंसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट देन डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट देखिए डेप्रीशियशन कितने पे लगा है थ्री जीरो सिक्स वन सिक्स पॉइंट टू पर ट्रांसफर करने की एंट्री तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्लीशन अकाउंट देन अगेन टू थाउजेंड सिक्स में इंटरेस्ट को ड्यू की एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेपिन एजेंसी अकाउंट देन अमाउंट जो थर्ड इंस्टॉलमेंट की है उसे पे करने की एंट्री टू कैश अकाउंट किया पी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्लीशन अकाउंट अब ये जो हमने जर्नल एंट्री की यहाँ से हम लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर अकाउंट हमारा जो प्राइस uh, था जितने पे हमने कंप्यूटर एसेट को खरीदा दैट इज टू वेपन एजेंसी 34018 से देन एट द एंड ऑफ द ईयर आपका डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस अमाउंट आ गया बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हुआ 30616.20 अगेन एट द एंड ऑफ द ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 3061 का बैलेंस अमाउंट आ गया उस अगेन बैलेंस आपने अ कैरी फॉरवर्ड किया 2755 4.58 देन अगेन ईयर के एंड में आपने डेप्रिसिएशन लगाया और बैलेंस आपका एसेट का आ गया देन वेपन एजेंसी अकाउंट में क्या-क्या एंट्रीज -क्या हैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर जो परचेज किया था उसके लिए एंट्री बाय कंप्यूटर अकाउंट 34018 रुपीस उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आपने जो इंटरेस्ट जो ड्यू बना था बाय इंटरेस्ट अकाउंट आपका 282.16 जन वन को ही आपने कैश उसे पे किया था टेन थाउजेंड का जैन वन को जो स्टार्टिंग में आपकी इंस्टॉलमेंट uh, की पेमेंट थी टेन थाउजेंड की थर्टी फर्स्ट uh, को जो दोनों साइड्स को आप इक्वल करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका देन नेक्स्ट है आपका uh, ने, इसी बैलेंस को आप नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करेंगे वन सिक्स नाइन डबल जीरो इंटरेस्ट यू की एंट्री इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री 31 दिसंबर को 10000 की और बैलेंस आ गया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ उसके बाद इंटरेस्ट जो है आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 10000 की इंस्टॉलमेंट पे की तो दोनों साइड को बैलेंस किया तो जो वो आपका इंटरेस्ट का है वो बैलेंसिंग फिगर आपका यहां पर आ गया तो इसी तरीके से जो भी इसी तरीके से जो हमारे दूसरे लेजर्स अकाउंट्स हैं जर्नल एंट्री से हम उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं इंटरेस्ट अकाउंट हमारा हुआ और अपने टू वेपन एजेंसी अकाउंट इंटरेस्ट जो आपका टू डबल एट टू पॉइंट वन सिक्स का था ड्यू जो आपका हुआ उसके बाद थर्टी फर्स्ट दिसंबर को आपने उसे ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देन अगेन थ्री ईयर्स के लिए सेम चीज़ हमने उसको फॉलो किया दैन अकाउंट आपका फर्स्ट ईयर में जो डेप्रीशिएशन आपने चार्ज किया टू कंप्यूटर अकाउंट थ्री फोर जीरो थ्री फोर जीरो वन पॉइंट एट जीरो का देन एट द एंड ऑफ द ईयर आपने उसको ट्रांसफर किया पी एंड एल अकाउंट में एंड दिस विल कॉन्टिन्यू फॉर थ्री ईयर्स देन इन द बुक्स ऑफ वेपन एजेंसी उसके जो हमारा वेंडर है उसके अकाउंट्स में क्या क्या आपकी एंट्रीज होंगी तो सबसे पहले कैश प्राइस जो से मिला कंप्यूटर करने के लिए तो दर्शन अकाउंट अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स देन अमाउंट जो रिसीव की डिलीवरी पर एज एडवांस कैश अकाउंट डेबिट टू दर्शन अकाउंट टेन थाउजेंड का देन इंटरेस्ट जो से ड्यू हुआ दर्शन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो से रिसीव हुई कैश अकाउंट डेबिट टू दर्शन अकाउंट देन इंटरेस्ट जो था उसे जो रिसीव हुआ उसका उसे ट्रांसफर किया उसने पी एंड एंड एल एल अकाउंट 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 में तो इंटरेस्ट टू पी एंड फर्स्ट ईयर में ही हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू तो ट्रेडिंग अकाउंट फुल कैश प्राइस से उसने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया देन अगेन नेक्स्ट ईयर में आपकी इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की एंट्री इंटरेस्ट को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री अगेन थर्ड ईयर में इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री थर्ड इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की एंट्री एंड इंटरेस्ट को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री लेजर्स में इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका तो टू हायर सेल्स अकाउंट थ्री फोर जीरो वन कैश टेन थाउजेंड देन दिसंबर को ये ऑन डिलीवरी जो मिला था कैश उसने जो उसे रिसीव किया था और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो उसे थर्टी दिसंबर को मिली थी टेन की देन इंटरेस्ट जो उसे मिला 282.16 का और बैलेंस अमाउंट आ गया नेक्स्ट इसको कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट जो उसे मिली देन इंटरेस्ट जो उसने रिसीव किया एंड बैलेंस एंड दिस विल कंटिन्यू इन थर्ड ईयर बैलेंस आपका कैश जो उसे मिला 10000 का और इंटरेस्ट जो उसे मिला 1071.84 देन इंटरेस्ट अकाउंट एवरी ईयर दर्शन अकाउंट बाय दर्शन अकाउंट 282.16 ये में ट्रांसफर किया 2882.16 अगेन नेक्स्ट ईयर में सेम चीज एंड थर्ड ईयर में भी सेम चीज तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने देखा कि इंटरेस्ट आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड था इंस्टॉलमेंट में नेक्स्ट जो हमारा है व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट्स इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन थैंक यू सो मच